एलविश यादव का अरेस्ट होना सभी के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। आपको बता दें दोस्तों, एलविश यादव 14 दिन के लिए रिमांड पर भेजे गए हैं स्नेक वेनम केस के मामले में। वहीं कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उन्हें 14 दिन के लिए रिमांड पर रखा जाएगा, 14 दिन जेल में बिताने वाले हैं। लेकिन जब वो जेल में जा रहे थे, जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर की, उस दौरान जब मीडिया से वो रूबरू हुए तो मीडिया उनसे सवाल जवाब करती हुई नजर आई, लेकिन उन्होंने एक हल्की सी स्मर्क और स्माइल दे दी गाड़ी में बैठने से पहले। हालांकि इसके बाद कई लोग उन्हें एरोगेंट कह रहे हैं तो कई कुछ, लेकिन आपको बता दें कि कई लोगों का मानना है कि वो स्माइल करते हुए और परेशान ना दिखने का उनका कारण सिर्फ यही था कि वो ये बात जानते हैं कि वो सरासर गलत नहीं है बल्कि एकदम सही है। और यही वजह है कि एलविश यादव को पता है कि चाहे रिमांड पर लिया जाए और कितनी भी छानबीन कर ली जाए, वो गलत नहीं है तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें पूरी तरीके से भरोसा है भारतीय न्याय पर। और देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। तब तक के लिए कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपका क्या कहना है इसको लेकर। और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो।